हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। एज ऑल ऑफ यू नो, एफकैट एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 20, 21 एंड 22 फरवरी 2021। आपका एफकैट का एग्जाम होने जा रहा है और जस्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट है उस एग्जाम के लिए, और आप में से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने उसके लिए अपने आप को अप्लाई कर रखा होगा, और नो डाउट आपने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी की होगी। सो आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, या जिसको आप बोल सकते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स एफकैट के लिए स्पेशली, कि हम उनको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो आपने अपनी प्रिपरेशन की है उसके साथ अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 101% आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। तो उससे बात करने से पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा एफकैट के एग्ज़ाम के बारे में, कि एफकैट का एग्ज़ाम का एक्चुअल में एक पैटर्न क्या रहता है। एफकैट का जो एग्ज़ाम होता है स्पेशली डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज, यानी इसके अंदर फोर टाइप्स के आपके एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर्स के अंदर सेट किए जाते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का, वेरिएबल एबिलिटी इन इंग्लिश, और आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड लास्ट आता है आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अगर टाइम अलॉटमेंट की बात करो तो इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, और आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपका टोटल जो पेपर होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। इसमें एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं EKT, जिसको बोला जाता है इंजीनियरिंग नॉलेजेबल टेस्ट। ये उन बच्चों के लिए होता है जो अपने आप को अप्लाई करते हैं ग्रांड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली आपके मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में से पूछे जाते हैं। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस की वेटेज होती है वो आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपका टोटल एग्जाम का पेपर होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है, और इस एग्जाम को आपको 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो ये एक सिनेरियो है एफकैट का एग्जाम का जो आप देने जा रहे हो। अब थोड़ा सा ही बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रिपरेशन टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और अब मैं आपको शॉर्टली देता हूँ ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये हमारे उन बच्चों से पूछे हैं जो एफकैट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है। ये उनकी एक अपनी स्ट्रेटजीज है, वो उसको फॉलो जरूर करते हैं। तो आई होप अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स हैं। सो डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस ऑन योर माइंड, रिवाइज योर ऑल इंपॉर्टेंट एफकैट सिलेबस। अपने आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना है, जो आपने एफकैट के एग्ज़ाम की आपने तैयारी करी है उसके जो आपने की पॉइंट्स बनाए हैं उन की पॉइंट्स को आपने रिवाइज़ करना है, कोई न्यू टॉपिक्स या न्यू सिलेबस आपने स्टार्ट नहीं करना है। सेकंड, रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, कि दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, स्पेशली आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और आपके उन मेजर पॉइंट्स को ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। थर्ड बात करते हैं, गो थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एंशियंट हिस्ट्री होती है आपकी, मिडिवल हिस्ट्रीज होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो तो इन हिस्ट्रीज में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपकी 1960 से लेकर 1980 तक का एक आपकी पुरानी हिस्ट्री हो जाती है, फिर 1980 से लेकर 2000 तक की आपकी एक मिडिवल हिस्ट्री हो जाती है, और जो आपके अब करंट सिनेरियो चल रहा है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्रीज के अंदर आ जाता है। रिवाइज ऑल योर स्टैटिक्स लाइक जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो आपके पूछे जाते हैं, उसमें से काफ़ी मेजर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो ये इन चीज़ों के आपने ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपसे आगे बात करूँ तो रिवाइज योर करंट अफेयर्स सच एस नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑल रिलेटेड और ऑल डिफेंस रिलेटेड मेजर हैपनिंग्स, जो भी आपकी करंट मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे आपका डिफेंस का हो या इंडिया ने क्यों क्या क्या आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या क्या मेजर प्रोजेक्ट्स को बनाया है, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई हैं, रिसेंट अवार्ड कौन से मिले, ऑनर कौन से मिले, स्पोर्ट्स के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, लिटरेचर के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका कीप काम एंड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने क्वेश्चंस को देना है, उसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर प्रिपरेशन दैट यू हैव डन बेस्ट, और आप हाई होप आपने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा किया होगा, सो बिलीव इन योर प्रिपरेशन दैट यू हैव डन बेस्ट और ऑल द बेस्ट फॉर परफॉर्म इन द एग्जाम, और अपने एग्जाम में आपने बहुत अच्छे से भी परफॉर्म करना है। सो आई होप ये जो आपको मैंने छोटे सेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपको बताई है कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंप्रूव करेंगी और आपको हेल्प आउट करेंगी आपके एफकैट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में। सो DCD डिफेंस अकेडमी की पूरी फैमिली की तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स को ऑल दी बेस्ट जो एफकैट 1 के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं 20, 21 और 22 फरवरी को। सो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, आई होप यू आर ऑल परफॉर्म इन योर एग्ज़ाम बेस्ट दी बेस्ट। थैंक यू।